तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक और वीडियो के साथ आज मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ, आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। और आप लोगों ने जैसे वीडियो की टाइटल देखी है, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही मुख्तसर सा है। मतलब ये बात एक ऐसी है जिस पर काफ़ी लोग पूछते भी हैं, दूसरे लोगों से भी मशवरे लेते हैं, क्योंकि इतना लोगों को पता नहीं होता इस ट्रेंड का और वो दूसरों से मशवरे लिए बगैर भी गलती कर बैठते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइक चीज़ें काफ़ी सारी क्लैरिफाई कर दूँगा, क्लियर कर दूँगा कि आप लोगों ने अगर बेस्ट बजट का गेमिंग पीसी लेना है पाकिस्तान के अंदर, तो मतलब आप लोगों को कितना खर्चा हो सकता है और कौन सा इस वक्त बेस्ट मतलब आप लोगों को लेना चाहिए जो आपके बजट के अंदर भी आ रहा हो। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है। तो आप लोग मज़ीद अगर मतलब मेरी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उस पर लाजमी जाके सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप लोगों को मोर अपडेट्स देता रहूँ। और अगर आप लोग ऐसी वीडियोस और चाहते हैं कि मैं आप लोगों को और चीज़ें भी बताऊं कि बेस्ट बजट की और चीज़ें बताऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें। हम एम करते हैं 15 लाइक्स का, जस्ट लाइक 15 लाइक्स तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए, कम ऑन आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए, बहुत अच्छी सपोर्ट जा रही है। बस इंशाल्लाह हमारा चैनल जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट कर देगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। बाकी हम अपनी वीडियो आज की शुरू करते हैं। तो बेसिकली गाइस, ये जो टॉपिक है हमारा कि हम लोग बात करते हैं जब पीसी बजट्स की, तो उसमें हमारे जेन में काफ़ी सारे पीसीज आते हैं। अब अगर तो मैं आप लोगों को काफ़ी सजेशंस दूंगा, मिड रेंज रेंज बजट्स का भी बताऊंगा आप लोगों को, ग्राफिक कार्ड से भी रेलिवेंट हम बात करेंगे कि आप लोगों को कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाना चाहिए पीसी के अंदर। अब जो लोग मतलब बहुत ही चीप मतलब शुरू मतलब पीसी बिल्ड करना चाहते हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर और अच्छा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप लोग मतलब 30,000-40,000 के आसपास आप अच्छा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं गेमिंग का, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन 30,000-40,000 के अंदर आप लोगों को ब्रांड न्यू पीसी तो मिल नहीं सकता, तो उसके लिए आपको यूज प्रोसेसर तो लेना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि आप कोर i5 भी यूज़ कर सकते हैं, कोर i3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेसर्स हैं, मतलब इन पे अगर आप लोगों ने लो एंड पीसी बनाना है जैसे लाइक 30,000-40,000 की रेंज में, तो इसके अंदर आप मतलब ये पीसी यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा i5 का प्रोसेसर लें। जनरेशन आप डिपेंड करता है आपके बजट पे, आप जनरेशन हाई लेंगे तो जितना ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब 6, 7, 8 जनरेशन पे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 6 जनरेशन भी बहुत अच्छी है उसकी। बाकी i5 प्रोसेसर होना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने गेम्स खेलनी होती हैं, क्योंकि गेमिंग पीसी आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए i5 का प्रोसेसर तो लाजमी आप लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर। अब ग्राफिक कार्ड्स मेरे काफ़ी सारे लोग कहेंगे जो देख रहे हैं वीडियो के, ग्राफिक कार्ड हमें कोई बेस्ट रिकमेंड करो जो चीप भी हो अच्छा भी हो। अब अगर आपने मतलब चीप प्राइस के अंदर लेना है तो आप लोगों को यूज में मिलेगा। आप लोग नीचे मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूं जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन ग्राफिक कार्ड जो होंगे। जैसे अब आप लोगों को अगर कोई गेमिंग के लिए चाहिए पीसी, तो उसमें आप वैसे तो 750 Ti भी ले सकते हैं GTX का, ये बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, बहुत अच्छा चल जाता है ये। मतलब ये मेरे दोस्त ने ट्राई भी किया हुआ है और उसने मुझे बताया था ये काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दे जाता है। इसके अलावा एक इनका आता है मतलब आप लोगों ने शुरू करना हो तो GTX, मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा अगर आपका कम बजट है तो 750 Ti पे ही चलाएं। तो ये अब उन लोगों के लिए आ गया जो लोग मतलब यू नो मिड रेंज में बिल्ड करना चाहते हैं पीसी। अब जो हम थोड़े हाई लेवल की बात करेंगे, जिन लोगों का बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि हम लोग चलते हैं 50,000-60,000 की रेंज के अंदर, अगर आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो प्रोसेसर फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे सेम ही रखें। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बड़ा प्रोसेसर लेना चाहें तो वो और अच्छा है, लेकिन मतलब इसके अंदर खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जैसे जैसे आप लोगों ने ज़्यादा चीज़ें रहनी है। अगर आप पीसी जो लो एंड है उसमें रैम लगवाना चाहते हैं, रैम वैसे इतना मैटर नहीं करती अगर आपके पास प्रोसेसर ऐसा हो, लेकिन अगर प्रोसेसर बड़ा हो, ग्राफिक कार्ड बड़ा हो, तो रैम भी ज़्यादा होनी ज़रूरी होती है। तो उस हिसाब से आप 8 GB की रैम लगवा लें उसमें, 4 GB तो ना लगवाएं, वो तो बहुत कम होगी, 8 GB के मस्त है, या 16 GB लगवा लें रैम उसके अंदर। ठीक है, अब हम जो मिड रेंज में आएंगे उसमें भी मैं प्रोसेसर i5 का ही आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, बिगर जनरेशन लें, लेकिन ग्राफिक कार्ड हम लोग उसमें थोड़ा इंप्रूव कर देंगे। आप लोग ग्राफिक कार्ड अच्छे वाला लगवा सकते हैं इसके अंदर, आप प्रोसेसर सस्ता ले लें, ग्राफिक कार्ड महंगे वाला लगवा लें, GTX 1050 Ti वर्जन पे चले जाएं, 1060 पे चले जाएं, सही है ये ग्राफिक।